जी न्यूज पोर्टल के दर्शकों नमस्कार दोस्तों, और हम हैं गंगापुर सिटी के रोडवेज बस स्टैंड पर, और रीट परीक्षार्थियों के लिए यहाँ से शानदार व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। और क्या व्यवस्था है ये सरकार के द्वारा? प्राइवेट भी अधीन की गई है गाड़ी, जिनमें रीट की एग्जाम वाले फ्री है जो रोडवेज स्टैंड से चल रही है, और रोडवेज बस में भी पूरे एडमिट कार्ड दिखाओ और निःशुल्क जाओ। परीक्षार्थी अपना कार्ड दिखाए रीट की परीक्षा का, और उसके लिए निःशुल्क है। और रोडवेज बस स्टैंड से बसें लगाई गई है, रोडवेज स्टैंड जो भी गाड़ी जाएगी प्राइवेट हो चाहे रोडवेज हो फ्री है। जो गंगापुर सिटी के रोडवेज बस स्टैंड से जो बस जाएगी सरकार के द्वारा भेजी जा रही है यहाँ से, वो परीक्षार्थियों के लिए अपना कार्ड दिखाएं और वो निःशुल्क जा सकता है। और बाकी जो प्राइवेट बस स्टैंड से बसें जा रही हैं दोस्तों, वहाँ आपको पैसा देना पड़ेगा, परीक्षार्थी हो चाहे कोई भी हो उसमें। और इसलिए गंगापुर सिटी के प्रशासन ने रोडवेज बस स्टैंड से बसों की व्यवस्था की गई है, और यहाँ परीक्षार्थियों के लिए अपना परीक्षा कार्ड दिखाएं, और परीक्षा कार्ड दिखाने के बाद में उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है। और प्राइवेट बसों से अगर जाना चाहोगे प्राइवेट बस स्टैंड से, तो आपको वहाँ आपको भाड़ा देना पड़ेगा दोस्तों। और आप देख रहे हैं परीक्षार्थी यहाँ पर, ये परीक्षार्थी यहाँ पर, और सवाई माधोपुर के लिए जो ये बस खड़ी है 11:30 बजे रवाना होगी। कहाँ जाना है आपको? गंगापुर सिटी के रोडवेज बस स्टैंड से चाहे प्राइवेट बस को भी यहाँ पे प्रशासन ने लगाया है, वो बराबर परीक्षा केवल परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क है। वो अपना कार्ड दिखाएं और वो परीक्षार्थी निःशुल्क जा सकता है गंगापुर सिटी रोडवेज बस स्टैंड से, प्रशासन ने जो बसें लगाई है। और आप देख रहे हैं ये बस प्राइवेट बस है, लेकिन प्रशासन ने ये इनको हायर किया यहाँ से, और प्रशासन यहाँ से भेज रहा है, तो परीक्षार्थियों के लिए केवल यहाँ से निःशुल्क है। और बाकी जो प्राइवेट बस स्टैंड से जाएगा जो परीक्षार्थी, उसको भाड़ा देना पड़ेगा। रोडवेज बस स्टैंड से जो भी परीक्षार्थी जाएगा वो निःशुल्क है, अपना परीक्षा का कार्ड दिखाएं और वो निःशुल्क बराबर जा सकता है। और ये आप बस सामने बस देख रहे हैं, वो 11:30 बजे सवाई माधोपुर के लिए रवाना होगी, परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क रहेगी व्यवस्था। और जो प्राइवेट बस स्टैंड से जाएंगे परीक्षार्थी, दोस्तों सुन लो, प्राइवेट बस स्टैंड से जो जाएगा परीक्षार्थी उसको भाड़ा देना पड़ेगा। गंगापुर सिटी से रोडवेज बस स्टैंड से निःशुल्क व्यवस्था की गई है। और ये जयपुर के लिए सर, जयपुर के लिए शाम को 4 बजे तक हर घंटे में गाड़ी है राजस्थान रोडवेज की प्रत्येक घंटे में एक गाड़ी हर घंटे में है जयपुर के लिए। परीक्षार्थियों के लिए काफी व्यवस्था की गई है दोस्तों, यहाँ से जयपुर के लिए जा सकते हैं। जरूरत पड़ेगी प्राइवेट भी है, एटीएम के थ्रू अधीन गाड़ी के प्रशासन ने यहाँ पे अधीन भी की है बसें। और जो रोडवेज बस स्टैंड से जो भी बस जाएगी रवाना होगी वो केवल परीक्षार्थियों के लिए, केवल परीक्षार्थी रीट की एग्जाम के लिए निःशुल्क है दोस्तों। और यहाँ पर काफी परीक्षार्थी भी हैं, और ये जो बस खड़ी है 11:30 बजे रवाना होगी यहाँ पर। कहाँ जाना भैया आपको? जयपुर। परीक्षार्थी हो? ये परीक्षार्थी है, और जयपुर के लिए बसे 8 बजे जयपुर के लिए रोडवेज बस स्टैंड से रवाना होगी, जो परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क है दोस्तों। जयपुर के लिए अभी 8 बजे रवाना होगी, इसके बाद में 9 बजे रवाना होगी दोस्तों। प्रत्येक घंटे के बाद में रोडवेज बस की व्यवस्था की गई है यहाँ से, केवल परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क है वो। और परीक्षार्थी देख रहे हैं यहाँ पे खड़े हुए, जयपुर के लिए 8 बजे रवाना होगी दोस्तों परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क बसें, रोडवेज बसें। और ये सवाई माधोपुर के लिए 11:30 बजे रवाना होगी, जयपुर के लिए कब आ रही सर? 8 बजे आएगी रोडवेज, आएगी ना रोडवेज 8 बजे।
हवारा चौक से और प्राइवेट बस स्टैंड से भी जयपुर के लिए बसें जा रही हैं। वहाँ से परीक्षार्थियों के लिए भाड़ा देना पड़ेगा और यहाँ से रोडवेज बस स्टैंड के लिए परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था है। कहाँ जाएगी भैया तुम्हारी बस? ये सवाई माधोपुर कितने बजे? साढ़े दस बजे। साढ़े दस बजे परीक्षार्थियों के लिए विंडो से टिकट मिलेगा या फिर बस से मिल जाएगा? परीक्षार्थियों के लिए नहीं, फ्री है परीक्षार्थियों। जीरो जीरो का टिकट मिलेगा, बस के अंदर मिल जाएगा। पहली गाड़ी साढ़े ग्यारह बजे जाएगी। अब फर्स्ट गाड़ी तो निकल गई सर, सवाई माधोपुर के लिए पांच गाड़ी तो निकल चुकी है जी। अब क्या व्यवस्था है सवाई माधोपुर के लिए? गाड़ी लगा और खड़ी है सर अभी प्राइवेट। अब ये आपकी कितने बजे आएगी? साढ़े ग्यारह जाएगी। साढ़े ग्यारह बजे गंगापुर सुली के रोडवेज बस स्टैंड पे दोस्तों बस खड़ी है सवाई माधोपुर के लिए प्राइवेट। और इसमें भी निःशुल्क व्यवस्था की गई है, केवल गंगापुर सुली के रोडवेज बस स्टैंड से दोस्तों निःशुल्क है। यदि आप प्राइवेट बस स्टैंड पर जाओगे परीक्षार्थी तो उसमें आपको भाड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्रशासन ने व्यवस्था की गई है रोडवेज बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों के लिए। कार्ड दिखाने पर बराबर निःशुल्क व्यवस्था है यहाँ से गंगापुर सुली रोडवेज बस स्टैंड पर। यदि आप प्राइवेट बस स्टैंड से बस में जाओगे तो भाड़ा देना पड़ेगा परीक्षार्थियों के लिए। और गंगापुर सुली रोडवेज बस स्टैंड पर प्रशासन ने व्यवस्था की गई है। जयपुर के लिए भी है, सवाई माधोपुर के भी लिए, करौली के लिए भी है। और ये फिलहाल सवाई माधोपुर के लिए दो बस खड़ी हैं जो सवाई माधोपुर जाएगी। परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क रहेगी व्यवस्था दोस्तों। और जयपुर के लिए अभी 8 बजे रवाना होगी परीक्षार्थियों के लिए। गंगापुर सिटी रोडवेज बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्था की गई है स्थानीय प्रशासन के द्वारा। और यहाँ से परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। और यदि आप प्राइवेट बस स्टैंड पर जाओगे तो परीक्षार्थी उनको आपको भाड़ा देना पड़ेगा। अभी 8 बजे जयपुर के लिए रवाना होगी बस, और इसके बाद में 9 बजे और प्रत्येक घंटे में 4 बजे तक बसें हैं यहाँ से। सवाई माधोपुर के लिए दो बसें अभी तैयार खड़ी हैं, 11:30 बजे रवाना होंगी। और ये बस कहाँ जाएगी भैया? और ये बस हिंडौन के लिए तैयार खड़ी है, हिंडौन के लिए तैयार खड़ी है, अभी थोड़ी देर में रवाना होगी ये। आ रही है और ये आप कहाँ जाओगे सर? जयपुर परीक्षार्थी। और ये जयपुर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं बस का, अभी थोड़ी देर में बस आने वाली है। देख रहे हैं दोस्तों गंगापुर सिटी के रोडवेज बस स्टैंड से हम दिखा रहे हैं आपको लाइव, और परीक्षार्थियों के लिए स्थानीय प्रशासन ने काफ़ी व्यवस्था की है यहाँ से। जयपुर के लिए भी है, करौली के लिए है, हिंडौन के लिए है बस। और गंगापुर सिटी रोडवेज बस स्टैंड से व्यवस्था है जो कि परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क रहेगी। रोडवेज बस स्टैंड से केवल रोडवेज बस स्टैंड से रीट की परीक्षा देने वालों के लिए निःशुल्क रहेगी। और यदि प्राइवेट बस स्टैंड पे आप जाओगे तो आपको भाड़ा देना पड़ेगा। प्राइवेट बस स्टैंड से आपको कहीं भी जाने पर भाड़ा देना पड़ेगा, और रोडवेज बस स्टैंड से प्रशासन ने निःशुल्क व्यवस्था की है केवल परीक्षार्थियों के लिए। और सवाई माधोपुर के लिए दो बसें खड़ी हैं परीक्षार्थियों के लिए। सवाई माधोपुर और हिंडौन के लिए बस खड़ी है, हिंडौन के लिए भी बस खड़ी है यहाँ से।